किसी का कोई भी मसला हो मेरे को कोई लेना देना नहीं, तुम लोग जाओ अपने मेरे मसले के साथ, मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी जायदाद लेके जाऊंगा। ए बिट्टू के बच्चे बाहर निकल, बाहर निकल बिट्टू। ए बिट्टू भी इस घर में चिल्ला रहा है। देवर जी आप क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों चिल्ला रहे हैं? जैसे इस घर में रोज सत्संग होता है। अरे बाहर निकल के तो क्या हो रहा है दुनिया में, कितने बड़े बड़े मुद्दे हो रहे हैं, बड़े बड़े इलेक्शन हो रहे हैं, और तू वही पुराने बड़े बड़े होटल के घूम रही है। देवर जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरा घर है, मैं आऊं या जाऊं तेरे को क्या मुर्गी का मुंह वाली। क्या कहा आपने, मुर्गी की मुंह वाली? मैं नहीं कह रहा हूँ, तेरे बाप ने बिट्टू को कहा था, कहता मैं 6 अंडे लेके आया था, 5 का ऑमलेट बना लिया, 1 बचा उसमें से ये निकली। अच्छा, इतना बड़ा मजाक किया तेरा बाप, तो कॉमेडी नाइट्स में क्यों नहीं आया आज तक? वो आ गए ना तो तुम्हारी छुट्टी कर देंगे। वाह, वो आ गए तुम्हारी छुट्टी कर देंगे, तेरे बाप का संडे छुट्टी कर देगा तेरा बाप। और एक बात क्लियर है मिलोर्ड, अगर तुम्हारा बाप इतना बड़ा कॉमेडियन है तो बेटी की टाइमिंग इतनी खराब क्यों? उदित नारायण का बेटा चाहे साल में एक ही गाना गाता हो लेकिन गाता सुर में, तेरे से क्यों नहीं हो रहा ठुल्ली? Enough! देवर जी, आप सीधे सीधे बताइए आप यहाँ क्यों आए हैं? Oh my God, I'm forgetting everything. ये छोटा सा काम था तेरे हस्बैंड का, वो करना है मेरे को। क्या? क्या बाबा वो? झगड़ा? अरे नहीं बाबा झगड़ा नहीं, वो जिसको करने से ब्लड निकलता है। क्या? अरे बाबा बवासीर नहीं, मर्डर। मर्डर? क्या? मर्डर? क्या? ए! क्या? मर्डर करेगा? मर्डर करेंगे, मर्डर करेंगे, मर्डर करेंगे। और इतना बड़ा मुंह खोल के मत बोल, क्या हॉलीवुड वाले ने सुन लिया ना तेरे को, एनाकोंडा में मेन लीड में ले लेंगे तेरे को। और आज मैं आया हूं तो जायदाद का बंटवारा करके जाऊंगा, घर में है कोई तो निकाल बाहर उसको। सलाद बनाने वाला हूँ। ओह माय गॉड, की कसम मुझे सलाद बहुत पसंद है, वही खा खा के तो मैं आज तक 22 ईयर ओल्ड हूँ। ए सिद्धू, कौन सा सलाद बना रहा है? सलादे रिश्तेदार। सलादे रिश्तेदार? हाँ ये तो मैंने कभी खाया ही नहीं, ये कैसा होता है? बहुत टेस्टी होता है, दादी को गोल गोल काटूंगा तुझे लंबा लंबा। और ये जो धनिया के मुंह वाली ना, इसे छोटा छोटा काट के ऊपर डालूंगा, फिर देखना। देवर जी! निकाल बाहर बिट्टू के बच्चे को, निकाल बिट्टू के बच्चे को बाहर निकाल। और तू जायदाद लेने आया कि इसकी डिलीवरी कराने आया? शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा शर्मा क्या करते हैं, हमें पता तेरी शर्मा शादी गुप्ता से तो हुई नहीं जी, जी। वो तो चली गई, अब तेरा क्या होगा सेकंड नंबर पे बुड्ढन? हाय, तू मुझे मारेगा? हाय, भूल मत कि मैंने तुझे जुआ खेलना सिखाया था, मैं तेरी गुरु हूँ, गुरु। अच्छा, गुरु बड़ी, तेरे मेरे को MBA कराया, जुआरी कहेंगी? मरने के लिए तैयार हो जा, जय शेर वाली माता, महाकाली, मां लक्ष्मी, महा सरस्वती, हनुमान, राम लक्ष्मण, सीता, शिव जी, भगवान पार्थिव, महेश, राधे, श्याम, सीताराम, जय हनुमान। मरने के लिए तैयार हो जा। अभी मेरी शादी नहीं हुई, बस मेरी शादी होने दे, उसके बाद चाहे 2 मिनट बाद मुझे मार देना। अच्छा, मेरे को तो समझती है। 2 मिनट बाद मार देना, शादी होगी ये कमरे में घुस जाएगी, 3-4 साल बाहर नहीं आएगी, मैं सब समझता हूँ। हाय रुपा, तुझे ब्रेक मारना नहीं आता मोटी, क्या कर रही है तू यार, बेवजह टचिंग वाचिंग हो गया हमारी। Ladies and gentlemen, और बाकी सारे सफेदी की चमकार से सराबोर, जी हाँ, डायरेक्टर अब्बास मस्तान लेकर आ रहे हैं अपना नया कॉमेडी शाहकार किस किस को प्यार करो। तू आ जा पहले नीचे। ओहो, एक्शन, सस्पेंस, थ्रिलर देखते हैं हर रोज, लेकिन अब इस फिल्म में मिलेगा आपको कॉमेडी का डोज। जी हाँ,
किस किस को प्यार करूं, कह रहा फिल्म का हीरो जो है कॉमेडी राज का जाना बचाना चेहरा कपिल शर्मा 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 जो दिखाकर चुल्लो चार चार हीरोइनों को बना रहा है उल्लो। जी दोस्तों, इस फिल्म का म्यूजिक सुनकर आप हो जाएंगे नाचने पे मजबूर। जी हाँ, क्योंकि फिल्म का म्यूजिक दिया है जिन जिन से लिया उन्होंने दिया है और इस खतरनाक शानदार म्यूजिक पर डांस करेगी पड़पड़गंज की रानी, आपके दिल के मलिका आज आपके सामने करने वाली है डांस। जान तो खुश होकर एक से एक रुपए दिया है सतीश जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धू जी ने दुआएं दी है, बहुत बहुत मेहरबानी। 1232 गाड़ी किसी बाहर खड़ी है उसको हटा दे। और दोस्तों, अब समय आ गया है के पी के क्विज का। ये दोस्तों क्विज, मैं आपसे सवाल पूछूंगा फिल्म के बारे में, आपको जवाब देना होगा। वो फिल्म जो 25 सितंबर को रिलीज हो रही है, बताइए आप में से कौन बताएगा उस फिल्म का नाम क्या है। हाथ खड़ा करने के लिए बोला, मैंने बताने के लिए बताया। सवाल मुश्किल है दोस्तों, जवाब है आसान। आप बताइए मैडम, किस किस को प्यार करूं? किसको करना, हमको कर लो। सही जवाब। आपको मिलता है 25 सितंबर को लाइन में सबसे आगे खड़े होकर टिकट खरीदने का मौका। मौका मौका दो टिकटें हमारे लिए ले लीजिएगा। फ्रंट रो। किसी ने खुश होकर हमें जूता दिया है, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू। जिसका भी ले जाए। चुप कर, ये बता तू रास्ते में रोड रोलर लेके क्यों घूम रहा है? मतलब ये आपको कोई गलत फहमी हुई है, रोड रोलर नहीं रिक्शा है। वो तो मैं देख चुकी हूँ, मैं तेरे बारे में पूछ रही हूँ मुंडी। You're very funny. I'm very funny. लगता है ज्यादा पी लिया, आप मुझे नहीं पहचान रही है। जी हाँ, मैं टू स्टार ऑर्केस्ट्रा, सामने बस अड्डा, प्रोपराइटर में की चड्डा दोस्तों। काम ऑर्केस्ट्रा और नचा भालू को रहा है। चड्डा साहब, ये आपकी आईज के सामने खड़े होके मुझे भालू कह रही है, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं? ये खड्डा क्या कहेगा? खड्डा नहीं चड्डा, जो भी है तू कर क्या रहा है यार? अरे आपका पोता है ना, उसकी फिल्म आ रही है किस किस को प्यार करूं, उसकी मशहूरी कर रहे हैं। तू कर रहा है? ये देख कितना खर्चा करके हमने मोहल्ले को सजाया है और मेरे पिट्टू की फिल्म की प्रमोशन तुझे से तुच्छे से कराऊंगी, दफा हो जा। दोस्तों, कागज के फूलों से ना कभी सुगंध आई थी ना कभी आएगी, लेकिन जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात किसी ना किसी तरह तो हो जाएगी। नाच वाले खुश होकर हमें जोड़ी पूरी कर दी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शकुंतला देवी की बरसी है, देख मैं उनके लिए खीर बनाई हूँ, अब मैं ये कौवे को खिलाऊंगी, उसके बाद उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अरे काय कौवे खिलाई, खुद खीर खाए, 2 साल हो गए, मेरे को देना, बीच में मैं काव काव कर दूंगा। कैसी बातें कर रहा है बिट्टू? तुझे तेरी परदादी के गुस्से के बारे में पता नहीं है? वो आज भी गुस्सा कर सकती है मरने के बाद भी, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। मुझे ये खीर छत पे रखवाना है। राजू कहां मर गया तू? क्या राजू, राजू चला रहे हो? कोई भी काम पूरा नहीं करने देते हो आप। काम? हाय, कौन सा काम कर रहा था तू? सो रहा था, सपने में सैफ को देख रहा था मैं। अबे लोग सपने में करीना कपूर को देख रहे, तू सैफ को देख रहा था, पागल है तू? सपने में मैं करीना कपूर को देखने गया, आप दरवाजा सैफ ने खोल दिया, इसमें मेरा क्या कसूर है? खैर अब ये सब छोड़ो, ये खीर ऊपर रखवाना है, जल्दी से मेरे लिए कौवे पकड़ ला। कौवा पकड़ के लाओ, खीर खिलाओ। वाह वाह पाजी, ये देख लो इतनी बुरी हालत है इनके घर की, एक अंडा लाते उसको 3 हिस्सों में बनाते, ये येलो होता है उसकी येलो दाल बना लेते हैं, व्हाइट को सुखा कर उसका पनीर बना लेते हैं, और छिलके को नमक लगाकर उसके चिप्स बना लेते हैं। घर में कौवे को खीर खिलाई जा रही है, इधर लाओ खीर खिलानी है कौवों को। दादी तू इतनी मेहनत क्यों कर रही है कौवे ढूंढने में? मेरी बीवी की शक्ल ना बतख जैसी, उसको खिला देते खीर। और अगर तेरे को कौवा ही चाहिए तो मेरे ससुर को खिला देना, उसकी आवाज और शक्ल दोनों कौवे जैसे। सुबह हुई नेकी नई बुराई शुरू कर दी तुम दोनों दादी पोते ने।
तो क्या करें, तेरी हरकतें ऐसी हैं। हम लोग तो करते तेरी तारीफ लेकिन लोगों को बुराई लगती है। दादी का कहना क्यों नहीं मानती, दादी के कहने पे काम क्यों नहीं करती? मैं क्या करूं, काम भी तो ऐसे से बोलती है तुम्हारी दादी। अभी अंदर कह रही थी कि बहू घर की सारी बोतलें जमा कर धो दे और पानी फेंकना मत, मैं बाद में पीऊंगी। दादी क्या कर रही है, भिखारियों की बेटी। भिखारी किसे कहा, उसी भिखारी बाप ने मंगनी पे सोनी की अंगूठी दी थी तुम्हें। तो 2 ग्राम की सोने की अंगूठी देगे, ये 50 ग्राम की अंगूठे जैसे मुंह वाली बेटी वो भी तो ठिकाने लगाएगी नहीं इस घर में। देखिए शर्मा जी, अब अगर आपने मेरी बुराई की ना, मैं सच में बाय गॉड अपने पापा के घर चली जाऊंगी। कौन सा घर? इसका बाप 6 रुपए पर प्लेट नूडल वाली रेडी लगाता है। जहाँ 135 रुपए का धंधा हुआ वही नूडल वाली रेडी बंद, उसी नूडल वाली रेडी के घुस के सो जाता है। घर शुरू होता है लोखंड वाला से, शाम तक होते थे बैंडर तक पहुंच जाता है। क्या बात है। देखिए शर्मा जी, अगर मेरे पापा ने सुन लिया ना, वो अभी क्लास ले लेंगे। अरे वाह, जब देखो पापा पापा करती रहती है। अरे कोई ऐसा काम कर कि इस घर में लोग इसे पापा पापा करे। शर्म चली, पड़पोता या पड़पोती की शक्ल ही दिखवा दे। क्या दादी, 24 घंटे पड़पोता रहती रहती तू, तेरे मुंह से भी पड़पड़ तेरी हर जगह से पड़पड़। पड़पोता पड़पोती को तोता तोती नहीं कि जंगल में गए और मिर्ची दिखा के ले आए। इन सब कामों में टाइम लगता है यार। टाइम लगता है? 5 साल लग गए बिट्टू, 5 साल लग गए, बच्चा बच्चा नहीं हुआ। सरकार का ये क्या कहते हैं पंचवर्षीय योजना हो गई। जब देखो फेल हो जाती है, लेकिन इस बार में फेल नहीं होगी। हाँ, इसलिए इस बार मैंने चाटेश्वर बाबा से कहा है आने के लिए। हाँ, बड़े चमत्कारी बाबा है, उनकी वजह से बड़ों बड़ों को बच्चा हुआ है। हाँ, 1 चाटा मारते बेटी हो जाती है, 2 चाटा मारते बेटा हो जाता है।